मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न ही गलत पड़े, आपके माइंड की सारी प्रोग्रामिंग ही गलत हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार। आशा है आप खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और आपके जिंदगी को सही मायने में जी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी पेनफुल मेमोरीज को डिलीट किया जाए। तो इसलिए वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो भी दर्द और जो भी पेनफुल मेमोरीज आप लेके चल रहे हो उनको कैसे मिटाना ये सिखाऊंगा। पास्ट शुड बी लेफ्ट इन पास्ट, अदरवाइज इट कैन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। क्या सही लाइन कही है किसी ने? पास्ट शुड बी लेफ्ट इन पास्ट, अदरवाइज इट कैन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। व्हाट अ मार्वेलस फैकल्टीज ऑफ माइंड वी हैव बीन गिफ्टेड विद, मेमोरी एंड इमेजिनेशन, बट बोथ वी आर यूजिंग अगेंस्ट अस। वी आर सफरिंग इन अवर मेमोरी और अवर इमेजिनेशन, वी आर यूजिंग अवर इंटेलिजेंस अगेन अस। वी आर सफरिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, मेमोरी पास्ट मेमोरी विच हैज गॉन एंड फ्यूचर इज येट टू कम। समझो अगर आपकी सभी पास्ट पेनफुल मेमोरी को एक एक करके 1 kg का वेट दे दिया जाए तो क्या होगा? क्या आप आगे बढ़ पाओगे? मुझे नहीं लगता। ये जो कोई भी पास्ट पेनफुल मेमोरीज या पास्ट का दर्द आप कैरी करते जा रहे, पता है वो सभी पास्ट पेनफुल मेमोरीज आपके माइंड में कैसे स्टोर है? अनरिजॉल्व्ड इशू, या उसे ऐसे भी कहते हैं कि अनफिनिश्ड एजेंडा। और यही अनफिनिश्ड एजेंडा आपको ऐसी स्टेट में लेके जाता है कि आपकी बॉडी हार्मफुल केमिकल सीक्रेट करना शुरू कर देती है और आपके बॉडी में बिहेवियर चेंज आने लगते हैं। आपकी बॉडी में बिहेवियरल चेंज आने लगते हैं जिसको डॉक्टर बीमारी का नाम दे देता है। यह बीमारी कुछ भी हो सकती है। यह आपको आ सकती है एज ए एंग्जाइटी, डिप्रेशन या साइकोसोमेटिक डिसीज। आपको पता है 95% जो कोई भी बीमारियां है उनका कारण है साइकोसोमेटिक डिसीज और ऑटोइम्यून डिसीज। जो भी कोई ऑटोइम्यून डिसीज है जैसे थायराइड है, अर्थराइटिस है, इनका सभी का कारण पड़ा है आपके पास्ट पेनफुल मेमोरी में। ये सभी चीजें ध्यान से सुनिएगा, यह सभी चीजें हमें एकेडमिक्स में या हमारे स्कूल में सिखाई जानी चाहिए थी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। तो आज हम इस सभी दर्द और इस सभी दर्द भरे पेनफुल मेमोरीज को हटाना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार और आज हम सबकॉन्शियस माइंड री इम्प्रिंटिंग की पास्ट पेनफुल मेमोरी डिलीट टेक्निक करेंगे। तो शुरू करते हैं। कंधे सीधे करके बैठ जाइए, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। विजुलाइज कीजिए आपके सामने एक ग्लास की दीवार है। आपके सामने एक ग्लास की दीवार है और उसके परे एक टेबल पे टीवी रखा है और आपके पास में उसका रिमोट है। अब एक काम कीजिए, आपके हाथ में जो रिमोट है उसका बटन दबाइए और उस टीवी पे वह सभी मेमोरी जो आपको पेनफुल मेमोरीज है वह प्ले कीजिए। अगले 5 सेकंड में उन सभी मेमोरीज को देखिए जिसके वजह से आपको पेन आता है। बटन दबाइए और अगले 5 सेकंड में उस मेमोरी को देख लीजिए।
अब एक काम कीजिए, आपके रिमोट का बटन दबा के उन वीडियोस का, उन विजुअल्स का साउंड कम कीजिए, उस साउंड को निकाल दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 म्यूट कर दीजिए। अब वहां पे आपकी मेमोरीज प्ले हो रही है पर उसको साउंड नहीं है। अगर कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी आवाज आता है तो उसको म्यूट कर दीजिए। अब रिमोट का अगला बटन दबा के उन विजुअल्स को ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। बटन दबाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सारा कलर निकाल दीजिए और देखिए कि आपकी मेमोरीज वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट में प्ले हो रही है। ना ही उनको साउंड है और ना ही उनको कलर है। अगर कहां से भी आपको साउंड आता है तो उन सभी साउंड को म्यूट कर दीजिए। और उनका कलर निकाल दीजिए। अब उन विजुअल्स में जो जो भी सिग्निफिकेंट विजुअल्स है उनको एक फ्रेम में कैद कर दीजिए, स्टिल इमेज बना दीजिए। जो जो भी सिग्निफिकेंट इमेज है उनको फ्रेम कर दीजिए। आपके टीवी पे कोनों पे या सेंटर पे उन विजुअल्स को स्टिल कर दीजिए। अब आपकी मेमोरी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में एक स्टिल फ्रेम में दिखाई दे रही है। अब रिमोट का अगला बटन दबा के उन मेमोरीज के ऊपर, उन फ्रेम के ऊपर जोरदार बारिश कीजिए। तब तक बारिश कीजिए जब तक यह सारी इमेज घुल जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, डिसएम्पावर हो जाएगी। बटन दबा के बारिश को और तेज कीजिए। वह सारी इमेज धुल जा रही है, सारी इमेज धुल गई है। अब आपको टीवी पे ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है। देयर इज नो इमेज, पूरी इमेजेस डिजॉल्व हो गई है। अब एक बटन दबाइए और आपका टीवी उड़ते 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 आकाश में जा रहा है, बहुत दूर बहुत दूर, और वह सूरज के साथ मिलके भस्म हो गया है, डिसएम्पावर हो गया है। टीवी सूरज के साथ मिलके भस्म हो गया है। अब विजुअलाइज कीजिए खुद को एक पहाड़ पे आप खड़े हो, आपके दोनों हाथ हवे में लहरा रहे हैं, आपका हंसता हुआ चेहरा, आपके ऊपर सूरज की किरणें आ रही हैं और प्रकाश और एक सेंस ऑफ फ्रीडम आ रही है। जो भी आपकी मेमोरी थी वह डिजॉल्व डिसएम्पावर हो गई है और आपको एक फ्रीडम का एहसास हो रहा है। इस फ्रीडम को एब्सॉर्ब कीजिए। आपके ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है, आपका हार्ट, आपकी बॉडी और आपका सोल
ओजस्वी तेजस्वी हो चुका है। फील कीजिए इस सेंस ऑफ लाइट को, सेंस ऑफ फ्रीडम को। योर पास्ट इज ओवर, योर मेमोरी इज ओवर, यू आर फ्री फ्रॉम दैट मेमोरी, यू आर फ्री। आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम आ रही है। विजुअलाइज कीजिए खुद को एक विनर का एटीट्यूड। एक पहाड़ पे आप खड़े हो, हाथ लहराते हुए, हंसता हुआ चेहरा। अब आगे में आपको एक बेल की आवाज आएगी। जैसे ही बेल की आवाज आएगी तो आपको आपका हंसता हुआ चेहरा देखना है और इंटरनल वॉइस क्रिएट करना है, आई एम फ्री, आई एम विनर। और उसी के साथ फ्रीडम के फीलिंग को एंजॉय करना है। तो ये तीनों चीजें एक ही बार में करनी है। जब बेल बजेगी, बेल का साउंड बजेगा, आपका हंसता हुआ चेहरा, आपके शरीर के ऊपर आती हुई किरणें और एक इंटरनल वॉइस, आई एम फ्री, आई एम विनर। आंखें बंद ही रखना है और फ्रीडम के फीलिंग को एंजॉय करना है जैसे ही बेल बजेगी। धीरे धीरे आंखें खोलें, धीरे धीरे, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अब उस घटना को पुनः याद करने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि उस घटना की तीव्रता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अगर अभी भी उस घटना की तीव्रता थोड़ी बाकी है तो इस टेक्निक को फिर से रिपीट करें। मैं डॉक्टर राजीव कुंभार ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ और हंसते रहें और आपके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद हो। धन्यवाद।